देसी फ्लिपर्स चैनल। सो गाइस आज हम करने वाले हैं बैकफ्लिप का ट्यूटोरियल फुल डिटेल्स पे। सो गाइस मेरे वीडियोस में आ रहा था कमेंट में जो बैकफ्लिप कैसे करें, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैकफ्लिप का ट्यूटोरियल फुल डिटेल्स पे। सो गाइस इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखो एंड सीखो, क्योंकि आप अच्छी तरह नहीं देखोगे तो गाइस बहुत सी बात में दिक्कत आ सकती है। तो गाइस आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। बैकफ्लिप के आगे जो चीज पहले करना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, और आपको ध्यान में रखना होगा जो कि आप 5 स्टेप तक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाथ को पहले ऐसा करना पड़ेगा, हाथ को ऐसे करके नॉर्मली ऐसे जंप करना होगा। ये हम 5 स्टेप तक करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और जितना होगा आप जंप करो क्योंकि बैकफ्लिप के लिए जंप जरूरी है। सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप आपको जो नी है उसको आपको चेस्ट पर टच करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे करके डायरेक्ट ऐसे टच होगा, जंप करके चेस्ट पर टच, ये भी आपको 5 स्टेप ही तक करना होगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। सो गाइस 4 स्टेप है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे नॉर्मली बैठना होगा, ऐसे बैठ के जो पीछे तरफ बुलाठी मारते हैं वो आपको करना होगा। तो मैं हम मारते हैं अभी, 1, 2, ठीक है, ये आपको करना होगा। तो फिर से मारते हैं हम, 1, 2, ठीक है, ये आपको 5 स्टेप तक करना होगा। अभी मैं आपको करके नहीं दिखा दे रहा हूँ, आप 5 स्टेप तक करो क्योंकि बैकफ्लिप के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है। 5 स्टेप है, आपको आर्च बैक आना जरूरी है। अभी मैं आपको मार के दिखा दे रहा हूँ आपको कैसा होता है ये आर्च। ये आपको आना चाहिए बैकफ्लिप के लिए, तो बस ये आप 5 स्टेप तक करो, ठीक है। सिक्स स्टेप पे चलो चलते हैं, करना होगा ये टक करके आर्च करना होगा, आर्च एंड बैक, ठीक है। ये आपको 5 स्टेप तक करना होगा, 1, 2 एंड 3, ये आप कंटिन्यू करो उसके बाद ही बैकफ्लिप का पोजीशन आ जाएगा आपको। तो गाइस 7 स्टेप पे चलते हैं अभी, तो क्या करना पड़ेगा आपको मोड़ना होगा, ठीक है। ऐसे मोड़ के आपको बैक पे जंप देना पड़ेगा, ठीक है। तो मोड़ लेते हैं अभी, 1, 2, ये आपको करना होगा। फिर से करते हैं हम, 1, 2, ये आपको 5 स्टेप तक करना होगा। चलो गाइस 8 स्टेप पे चलते हैं अभी, 8 स्टेप पे आपको करना होगा नॉर्मली जो बैक फ्लिप होता है वो करेंगे आप, 1 एंड 2, ठीक है, ये आपको करना होगा, 1, ये आपको 5 स्टेप तक करना होगा। 9 स्टेप पे चलते हैं अभी, 9 स्टेप पे आपको करना होगा थोड़ा सा जंप, ठीक है, जंप करके बैक मारना होगा, ठीक है। जितना हो सके आप जंप करो क्योंकि व्यक्ति के लिए जंप बहुत जरूरी है। तो गाइस हम करते हैं अभी, 1 एंड 2, ठीक है, ये आपको करना होगा। एंड देखोगे तो क्या आपको यहाँ पर टच करना होगा, ठीक है, बैकफ्लिप ऊपर एंड यहाँ पर टच, ओके, करते 1, 2, ये थोड़ा सा आपको टच करना होगा उसके बाद ही आपको बैकफ्लिप को प्रेशर आ जाएगा। चलो करते हैं पहले, चलो 10 स्टेप पे चलते हैं अभी। ये आपको ध्यान से देखना होगा, ये हमारा लास्ट स्टेप है। सो गाइस बैकफ्लिप के लिए जंप बहुत ही जरूरी है, सो आप भी जंप करो, 1 एंड 2, ठीक है, यहाँ पर टच करना बहुत ही जरूरी है। फिर से करते हैं अभी, 1 एंड 2, ये आएगा, ठीक है। ज्यादा जंप करोगे तो और भी अच्छी तरह आएगा। तो करते हैं अभी, करोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। फिर से करते हैं, 1 एंड 2, ठीक है,
गाइस हमारा बैकलिप कंप्लीट हो गया है एंड इस वीडियो को आपको देख के कुछ भी हेल्प हुआ तो प्लीज गाइस लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना एंड पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। एंड गाइस आप कोशिश करोगे जो क्या ग्राउंड पे करने का, ठीक है, क्योंकि आप सीमेंट पे करोगे तो कभी भी इंजर्ड हो सकता है पैर में, इसलिए आप कोशिश करोगे क्या ग्राउंड पे करने का, ठीक है। तो चलो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर एंड बाय बाय।